Good morning students, for physics today we are solving exercise of unit 11 which is force and a pressure, and here are the first and second question I have done. So first question is asking, give two examples of each situations in which you push or pull to change the state of motion of an object. ऐसी कोई भी दो सिचुएशन दीजिए जिसमें बाय यूजिंग पुश और पुल फोर्स यू आर चेंजिंग द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब स्टेट अगर स्टेडी है, अगर वो रुका हुआ है तो इट इज़ बीन इन मूवमेंट, और अगर वो मूवमेंट में है तो इट इज़ बीन इन द स्टेडी पोजिशन. चल रहा है तो रोकना है, रुका हुआ है तो चलाना है. दैट इज द स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन. ठीक है, सो नाउ वी डू हैव टू एग्जाम्पल्स फॉर पुश फोर्स. अगर पुश फोर्स है तो अ कार इज बीइंग पुश्ड बाय मैन. मान लीजिए कि कोई खराब गाड़ी है, दैट इज बीइंग पुश्ड बाय अ ड्राइवर, और कोई हेल्पर है और पुश कर रहा है, तो वो स्टेडी स्टेट से मोशन में जा रहा है. सो हियर वी आर चेंजिंग फ्रॉम स्टेडी स्टेट टू मूवमेंट. सेकेंड है फॉर पुल फोर्स. अगर पुल करना है तो अ बुलॉक कार्ड इज बीइंग पुल्ड बाय अ पुल. जो बुलॉक कार्ड रहता है वो सामान भरने के बाद वो स्टेडी पोजीशन में रहता है, और जब उसको बुल खींचना स्टार्ट करे तो वो स्टेडी पोजीशन से मूवमेंट में आने लगता है. सो यहाँ पे स्टेडी टू मूवमेंट, यहाँ पे भी स्टेडी टू मूवमेंट. अगर इसको रिवर्स कर दोगे तो भी चलेगा. अब बुलॉक कार्ट इज बीन स्टॉप्ड बाय अ बुल, तो क्या हो रहा है, वो चल रहा है या इट इज बीन स्टॉप्ड. और यहाँ पे क्या बोलेंगे, अ ब्रेक इज बीन अप्लाइड ऑन अ रनिंग कार. तो कार चल रही है, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं. सो मूवमेंट टू स्टेडी स्टेट. नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन. गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेस अ चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे स्टेट ऑफ स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे शेप में चेंज हो रहा है. तो वो दो एग्जाम्पल्स कौन से हैं. एग्जाम्पल वन, A lump of dough on a plate is being pressed down by hands. जब भी हम आटा गूंदते हैं, so when we are applying a force, we are changing its shape. उसका movement हम change नहीं कर रहे, उसको steady state से movement में नहीं ला रहे, हम उसका shape change करेंगे. So that is the first example. Which is the second example? A spring under a bicycle. पुराने जमाने के cycle के नीचे spring आती थी. तो a spring under a bicycle seat is elongated. Elongated का मतलब है खुल जाना. When you are sitting on that bicycle seat, that springs will get elongated. Elongated का मतलब है खुल जाना. और जब आप उस सीट से उतर जाओगे, that will be compressed again. फिर से वो दब जाती है. तो a spring under a bicycle seat is elongated by sitting on it. जब उसके ऊपर बैठेंगे तो उसका size change होता है. So these two questions write it well. Now we are moving for a third question. Now we are moving for a question number 3. Fill in the blanks. The first question, the first fill in the blank is to draw a water from the well. To draw water from a well, we have to dash the rope. अगर कुएं में से पानी निकालना है, so which force we have to apply? We know that कि रस्सी लगी हुई है, वहाँ पे पुली लगी हुई होती है, और पुली के दब पे एक रस्सी हमारे हाथ में होती है, और दूसरी रस्सी बकेट से कुएं में बंधी हुई होती है. So if you are pulling it, then only bucket comes out. So, यहाँ पे आंसर आएगा, we have to pull the rope. रस्सी खींचनी है. Yes. The second, charged body dash an uncharged body towards it. अभी charged body और uncharged body same काम करते हैं, जैसे कि north pole और south pole काम करते हैं. If same charged bodies are there, so charged body और charged body के बीच में होगा repulsion. चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच में होगा अट्रैक्शन. इन द सेम वे ये नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में होगा रिपल्शन, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में होगा अट्रैक्शन. इन द सेम वे चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन. इट अट्रैक्ट्स द अनचार्ज बॉडी. थर्ड, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू, अगर कोई ट्रॉली वजन से भरी हुई है तो उसको हिलाने के लिए which force we have to apply. तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे, it is push force also and pull force also. आप उसको खींच के भी हिला सकते हो और धक्का देके भी हिला सकते हो. So both the answers are correct. Fourth, the north pole of a magnet
डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, ये तो फिर से सेम आ गया कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल है तो रिपल्शन होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो इट विल अट्रैक्ट. ऑपोजिट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट्स, सिमिलर पोल्स ऑलवेज रिपेल्स. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग फॉर अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. मूविंग ऑन टू द फोर्थ प्रॉब्लम, व्हाट इट सेज, एन आर्चर स्ट्रेचेस हर बो व्हाइल टेकिंग एम एट द टारगेट. She then releases the arrow which begins to move towards the target. Based on this information, fill in the blanks. Abhi, there is one archer. What she does? She has a bow in his hand, an arrow in the other hand. And what she does? She takes a aim and she stretches out a bow. Okay? So here, as you can see, the shape of bow is being changed from semicircular to parabola. Yes or no? Okay. So when she stretches a bow, one string is over here, that string also been pulled out. Your left hand is pulling out. The bow in your right hand changes its shape. An arrow is in her hand. So when she takes a aim and she releases the arrow, that arrow will be pushed out by the string ki wajah se wo pushed out hoga and that will hit a target. Yes or no? So there are two important things are there. Arrow chutne ke baad koi force hai jo arrow pe lagta hai? Agar koi force nahi hai arrow pe lagne wala, to if you are releasing it at a sky, aasman mein usko chhod diya, to wo aasman mein chalta hi jayega. सैटर्न तक भी पहुंच जाएगा, सोलर सिस्टम के बाहर भी निकल जाएगा. यस सुनो, तो कोई तो फोर्स है जो एरो को छूटने के बाद उस पे लग रहा है, वो क्या है हम देखते हैं वन बाय वन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेस द चेंज इन इट्स शेप. बो का शेप चेंज होगा स्ट्रेचिंग करने की वजह से. यस, वो स्टार्टिंग में ऐसा होगा सर्कुलर, और जब आप उसको खींचते हो तो वो बो का शेप ऐसा हो जाएगा. यस और नो? यस, तो उसकी वजह से उसका शेप चेंज होगा. सेकंड, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू द स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ मस्कुलर फोर्स. अगर मस्कुलर फोर्स नहीं है तो वो स्ट्रेच ही नहीं कर पाएगा. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर इज द आंसर. द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन अ स्टेट ऑफ मोशन of the arrow is an example of a push force. Arrow ka state of motion initially when archer pulls out string, to us time pe arrow ka state steady state hai, matlab arrow kahin pe ja nahi raha, initially it was a steady state, aur jab wo usko chhod raha hai, so wo string usko push kar raha hai and that will be moved away. So that is a type of a push force. And fourth, while the arrow moves towards its target, अभी तीर हवा में छूट गया और वो तीर छूटने के बाद, बो में से छूटने के बाद, it is reaching a target. Slow motion में पूरी situation को imagine कीजिए कि अगर तीर को छूट गया और वो तीर slowly, slowly, slowly अपने target पे जा रहा है. So when you see an arrow in a slow motion, तो you will feel that कि arrow हर second में अपनी लाइन से नीचे जा रहा है, अपनी लाइन से नीचे जा रहा है, अपनी लाइन से नीचे जा रहा है, और आफ्टर अ किलोमीटर और टू किलोमीटर अवे वो एरो जमीन पे टच हो जाएगा. क्यों? ऐसा कौन सा फोर्स है जो एरो के ऊपर उसको जमीन तक लेके जा रहा है? दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. यस और नो? यस. और मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो दूसरी कौन सी चीज है कि एरो इनिशियली आप देखोगे तो फुल स्पीड में जा रहा है, और जब तक टारगेट पहुंचेगा ना उसकी स्पीड कम होती है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ एन एरो? दैट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एटमॉस्फेरिक एयर. हवा जो आजू बाजू है वो एरो को रोकती है. इट प्रोवाइड्स फ्रिक्शन बिटवीन एन एरो एंड एन एयर. यस, तो उसकी वजह से भी उसकी स्पीड कम होती है. तो रीडिंग दिस क्वेश्चन, while the arrow is moves toward its target, target पहुंचता है तब तक, the force acting on it are due to, पहला force जो उसके ऊपर लग रहा है after releasing the arrow, that is due to gravity and then due to friction of air. So
fourth exercise is over. Now we are moving for a fifth question. Now moving on to question number 5. Again we are given with the situation. What situation says? In the following situations, identify the agent exerting the force and the object on which it acts. State the effect of the force in each cases. Here we are given with the sum of the situations. उस situations में force किसकी वजह से लग रहा है, किसके ऊपर लग रहा है और उसकी वजह से state में क्या फर्क आ रहा है, you have to identify. The first option they were given is squeezing a piece of lemon between the fingers to exert its juice. आपके पास lemon का आधा कटा हुआ piece होना चाहिए, उसको आपको squeeze करना है by using your fingers. और squeeze करने के बाद क्या फर्क पड़ रहा है वो lemon piece के ऊपर, that you have to identify. So this situation is been given. So force applied by, यहाँ पे force कहाँ से applied हो रहा है? Muscular force applied हो रहा है by using fingers. Muscular force has been utilized by using fingers. Force is applied on, कहाँ पे force you are लगाए, कहाँ पे लगा रहे हो? तो that is a piece of lemon. Lemon के ऊपर आप अपना force लगा रहे हो. और after applying that force, वो lemon piece का क्या हो रहा है? Change in its shape. उसका shape पूरा change हो रहा है. Yes or no? Now we are moving for a second situation. We are moving for a second situation. Taking out paste from a toothpaste tube. आपका जो toothpaste tube होता है, उसमें से paste निकालने के लिए you are taking out paste from a toothpaste tube. उसके लिए कौन सा friend force लगा? So force applied by muscular force by using your fingers. So muscular force by fingers applied on किसके ऊपर लगा रहे हो? That is a toothpaste tube. और वो अप्लाइड करने के बाद, फोर्स अप्लाइड करने के बाद टूथपेस्ट ट्यूब का क्या होगा? सो चेंज इन इट्स शेप. ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉर अ थर्ड क्वेश्चन. नाउ थर्ड एग्जांपल इज समवॉट स्पेशल. क्यों स्पेशल है? अ लोड इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग बाय इट्स अदर एंड इज अ हुक टू फिक्स टू अ वॉल. एक दीवार के ऊपर हमने स्प्रिंग लगा दी है और उसके दूसरे सिरे पे, दूसरे एंड पे हम एक वजन बांध देते हैं. सो नाउ यू विल आस्क सर ये प्रॉब्लम क्यों स्पेशल है, ये भी तो इजी लग रहा है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि फोर्स इज अप्लाइड बाय, यहाँ पे मस्कुलर फोर्स नहीं लग रहा, यहाँ पे अ डेड वेट लोड इज हैवी. डेड वेट लोड का मतलब क्या है? कोई भी हम वो वजन देखते हैं ना, 1 किलो, 2 किलो, 500 ग्राम, 5 किलो, तो उसको हम बोलते हैं डेड वेट्स. क्या बोलते हैं उसको? डेड वेट्स. और दुनिया में जितने भी वेट्स हैं, उसका रूट कॉज है ग्रेविटेशनल फोर्स. क्योंकि ग्रेविटी ना हो तो उस वजन का कोई मोल नहीं. देखें, यहाँ पे आपका वजन 40 किलोग्राम या 60 किलोग्राम है, पर अगर आप स्पेस में चले जाओ तो आपका वजन काउंटर ही नहीं होगा. यस और नो? सो यहाँ पे फोर्स अप्लाइड बाय अ डेड वेट लोड ड्यू टू ग्रेविटी, due to gravitational force. क्योंकि gravitational force नहीं होगा, root cause क्या है? Force कहाँ से generate होगा? तो gravitational से ही होगा. Otherwise, dead weight load 1000 किलो का ट्रक ही क्यों ना हो, पर अगर ट्रक पे ग्रेविटी नहीं लग रही तो उसका वजन ही नहीं होगा. So a dead weight load is there due to the gravitational force that has been applied. Okay? Applied on what? किसके ऊपर लग रहा है? That has been applied on a spring. That was easy. And by applying that force, what will happen? So spring will elongate. Spring है वो खिंच जाएगी. Yes or no? तो वो elongation कौन सा है? तो that is a change in a shape. वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, वो अपनी shape change कर रहा है. So that is a change in a shape. That is called elongation. Elongation दूसरी बार आया. Elongation that means stretch out. कोई भी चीज अगर खिंच जाती है, खिंच के लंबी होती है, तो उसको हम बोलेंगे इलोंगेट. रबर बैंड को भी यू कैन से इलोंगेट. और अगर हम उसको दबा रहे हैं, देन यू हैव टू यूज कंप्रेस. ठीक है? सो दिस थर्ड इज आल्सो डन. नाउ वी आर मूविंग फॉर फोर्थ. फोर्थ कंडीशन इज आल्सो लिटिल बिट स्पेशल. व्हाई? एन एथलीट मेकिंग एन हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट. हैव यू सीन द एशियन गेम्स एंड ऑल दैट?
इन दैट गेम्स हाई जंप कॉम्पिटिशन वॉज है। उस हाई जंप कॉम्पिटिशन में एक एथलीट होता है, वो दौड़ के आता है और दौड़ के एक बार लगा हुआ होता है उसके ऊपर से वो कूद जाता है। यस और नो, दैट इज अ कॉमन प्रैक्टिस। तो उस कॉमन प्रैक्टिस में फोर्स कहाँ से जनरेट हो रहा है, तो दैट इज अ मस्क्यूलर फोर्स, यू नो। अब मस्क्यूलर फोर्स कहाँ से बाहर निकल रहा है, सो दैट इज मस्क्यूलर फोर्स इज बाय लेग्स। पैर के ऊपर वजन डालने के बाद ही वो जंप करता है, तो दैट मस्क्यूलर फोर्स इज बीन अप्लाइड बाय लेग्स। किसके ऊपर हम वो फोर्स लगा रहे हैं, ऑन विच वी आर अप्लाइंग दैट फोर्स, तो ऑन ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर ही हम धक्का देके वी आर जंपिंग, सो फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ ग्राउंड। तो हियर इफेक्ट क्या मिल रहा है, तो इफेक्ट हमें मिल रहा है जंप, क्योंकि एथलीट को जंप मिल रहा है इतना सारा फोर्स लगाने के बाद। तो उस जंप को हम किस में कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज चेंज इन इट्स स्टेट। इनिशियली वो ग्राउंड पे था, बट ये फोर्स लगाने के बाद ही हैज गॉटन अ हाइट, वो हाइट पे जा रहा है, तो उसका स्टेट ऑफ मोशन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, चेंज इन हाइट हो रहा है। यस और नो, सो दैट इज अ चेंज इन इट्स स्टेट, ठीक है। ओके, हम बोल सकते हैं सर, आप बोलोगे कि सर स्टेडी स्टेट में से मोशन है, यहाँ पे तो दौड़ रहा है तब भी मोशन है और जंप कर रहा है तब भी मोशन है, बट मोशन में होने के बावजूद उसके मोशन का फोर्स बदल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही व्हेन ही इज रनिंग विद सम स्पीड, बट व्हेन ही इज जंपिंग, तो उस टाइम पे उसका स्पीड भी बदल रहा है और उसका हाइट भी बदल रहा है। सो दैट इज हाउ इट्स इफेक्ट इज इन चेंज इन स्टेट। नाउ वी आर मूविंग फॉर अ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इट सेज, इट सेज दैट अ ब्लैकस्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन व्हाइल मेकिंग अ टूल, हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। ये भी सेम जो प्रीवियसली किया वही है, बट अगर अलग तरीके से दिया है तो इसका आंसर भी हम अलग तरीके से देंगे। क्या बोल रहे हैं, इन अ फोर्जिंग, फोर्जिंग आपने देखा होगा डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के ऊपर, एक बहुत ही बड़ा हैमर होता है और उसके नीचे लाल गरम लोहा तप रहा होता है और उसके ऊपर वो हैमर ऐसे मारता जाता है जोर जोर से, और उसके वजह से जो नीचे गरम लोहा है उसका शेप बदलता जाता है, और उसके बाद उसका कोई भी स्क्रू ड्राइवर बनाते हैं या फिर जो खोलने नट खोलने वाला होता है उसको बनाते हैं या और भी कोई चीज़ बना सकते हैं मेटल की। तो ये पूरी सिचुएशन है। तो यहाँ पे फोर्स कैसे जनरेट हो रहा है और ये क्या कर रहा है, सो हियर द फोर्स इज बीन, आई हैव रिटन मस्क्यूलर फोर्स बिकॉज लेट इट से वी डू नॉट हैव अ मशीनरी। तो जो लोहार होता है वो लोहार क्या करता है, हथौड़े से अपने हाथ से उसको शेप चेंज करता है। So here I have used a traditional method, I haven't choose a machinery, but in case some of you feel that sir इतने advanced हो गए, इतने technology आ गए और muscular force से अगर लोहे को हम convert कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, so they can use electricity force for that, okay? So likewise I have written muscular force, you can use any other force too. That muscular force has been converted into hammering. Hammering means उसको repeatedly उसके ऊपर मारना. That hammering is been applied on the piece of an iron. Hot piece of iron के ऊपर उसको हमको force लगा रहे हैं hammering we are doing. So by doing that hammering, what happens to the hot piece of iron? The change in its shape. उसके shape में change हो रहा है. Okay. So now we are moving for a 7th question. We are moving for a 7th question in your textbook exercise. An inflated balloon. So you will ask, sir, inflated क्या होता है? Inflated means like हवा से भरा हुआ. It has been already filled with air by your mouth. So an inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with the piece of a synthetic cloth. It was found that the balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? ये लोगों ने कोशिश की है कि बलून को सिंथेटिक क्लोथ से रब करने के बाद, आप पूछोगे सर सिंथेटिक क्लोथ हमें कहाँ मिल जाएगा, सो मैंने ऑनलाइन सेशन में भी बताया है व्हेन वी आर रनिंग द चैप्टर कि सिंथेटिक क्लोथ जो आप वाटर पार्क में नहाने के लिए जाते हो और वो लोग वाटर पार्क वाले जो आपको क्लोथ्स देते हैं
उसको सिंथेटिक बोलते हैं। उसको सिंथेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर पॉलीएस्टर होता है। अभी बोलोगे सर पॉलीएस्टर क्या है, तो पॉलीएस्टर एक तरह का प्लास्टिक है जो कपड़ों के साथ गूंद दिया जाता है, उसकी वजह से कपड़े मजबूत होते हैं और साथ ही साथ उसके फटने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बट द प्रॉब्लम विद द पॉलीएस्टर क्लोथ इज दैट वो बहुत ही स्मूथ चिकने होते हैं, मतलब वो किसी भी सरफेस पे आराम से सरकेंगे। इसी वजह से वाटर पार्क में उन कपड़ों का इस्तेमाल होता है ताकि आप स्लाइड का मज़ा अच्छे से ले सको, क्योंकि वो कहीं पर भी स्लाइड पर चिपकेगा नहीं। बट द डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक क्लोथ इज दैट उसमें गर्मी बहुत होती है, तो अगर आपने समर में सिंथेटिक क्लोथ पहन लिया तो आप मर गए समझो। एंड इट इज सिंस इट इज मेड अप ऑफ पॉलीएस्टर वो कंफर्टेबल ज़्यादा नहीं रहता, इट डजंट सिंस कंफर्टेबल, बट चमकदार ज़्यादा होता है, अट्रैक्टिव ज़्यादा होता है, दिखने में भी अच्छा होता है। तो ये जितने भी सारे सुपरस्टार्स है या द पीपल हु इज एक्टिंग अगेंस्ट कैमरा, तो उनके लिए सिंथेटिक क्लॉथ अच्छे है क्योंकि वो अच्छे दिखते हैं। सो सिंथेटिक क्लॉथ का और एक एडवांटेज ये है कि वो इलेक्ट्रॉन खींचने में उस्ताद होता है, उसको इलेक्ट्रॉन बहुत प्यारे होते हैं। सो व्हेन यू आर रबिंग अ बलून विद अ बलून विद द सिंथेटिक क्लॉथ, अगर आप सिंथेटिक क्लॉथ को बलून में रब करते हो तो बलून क्या करता है, बलून में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिंथेटिक क्लॉथ खींच लेता है। सो दैट इज बीन चार्ज विद पॉजिटिव आयन्स, सो बलून डू हैव ओनली पॉजिटिव आयन्स। और उसके बाद आपको बलून को दीवार के ऊपर थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखना है। सो आफ्टर दैट व्हेन यू आर रिलीजिंग दैट बलून विल गेट स्टक और विल गेट स्टिक टू द वॉल, दीवार के साथ चिपक जाएगा। क्यों, क्योंकि दीवार के साथ कोई भी चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, दीवार को अपने सिंथेटिक उससे नहीं पोछा है, दीवार अनचार्ज है और बलून चार्ज है, और अनचार्ज और चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द फिल इन द ब्लैंक्स। तो इन द सेम वे व्हेन इट इज बीन रब्ड विद अ सिंथेटिक क्लोथ इट विल गेट चार्ज एंड इट विल स्टिक टू द वॉल। सो व्हाट इज द व्हाट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड द वॉल, सो द आंसर इज स्टैटिक। इतने बड़े क्वेश्चन का इतना छोटा आंसर, दैट इज अ स्टैटिक फोर्स। बट द सिचुएशन यू हैव टू एनालाइज वेरी केयरफुली, बहुत अच्छे से आपको सिचुएशन को समझना है। और एक चीज यू हैव टू कीप इट इन माइंड, व्हेन यू आर रबिंग अ बलून विद अ सिंथेटिक क्लोथ, आप उसको रब कर रहे हो तो आपके पैरों में जूते होना कंपलसरी है, एंड दैट हैज टू बी अ रबर शूज। अगर रबर शूज नहीं रखा तो आप जो भी चार्ज कर रहे हो वो पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स विल वेंट थ्रू योर बॉडी टू द ग्राउंड, और आप कितना भी दीवार के ऊपर पकड़ के रखो वो चिपकेगा नहीं। क्यों, क्योंकि जितना भी आपने चार्ज किया, वॉट एवर पार्टिकल्स यू हैव चार्ज विद द सिंथेटिक क्लोथ ओवर अ बलून, वो सब आपने जूते नहीं पहने थे, इसलिए आपके बॉडी से होके जूते नहीं पहने होने की वजह से वो ग्राउंड में चला गया और कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करें विच इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक फोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख देता हूँ मैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वहां पे यू हैव टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से आपको रबर के जूतों के साथ यू हैव टू बी डिटैच, अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉर अ क्वेश्चन नंबर 8। Now we are moving for a question number 8. What it says, name the forces acting on a plastic bucket containing water held above the ground level in your hands. अभी ये क्या करना है, आपको बकेट लेना है, उसके अंदर पानी को भरना है आधे या पौने तक जहाँ तक आपके विश हो, उस पानी को आपको बकेट को, बेटर है कि दोनों हाथों में बकेट लीजिए, क्योंकि एक हाथ से बकेट एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका हाथ उतर जाएगा, तो बेहतर है दो बकेट ले लीजिए और दोनों में सेम लेवल ऑफ वाटर रखिए, और उसको आपको हाथ में जमीन से उठा के रखना है फॉर अ फ्यू मिनट्स। अभी आप देखोगे कि व्हेन यू आर पुलिंग अप अ बकेट तो क्या होता है, पहले हम क्वेश्चन जान लेते हैं, डिस्कस व्हाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन।
जब आप बकेट पकड़ के रख रहे हो, when you are picking up a bucket, तो वो बकेट अपने आप नीचे क्यों नहीं जा रहा या अपने आप ऊपर क्यों नहीं आ रहा, से द रीजन और उस रीजन को हमें जस्टिफाई करना है. तो एज वी नो कि वी आर पुलिंग अप अ बकेट, सो विच फोर्स वी आर यूजिंग, वी आर यूजिंग मस्क्यूलर फोर्स इन टर्म्स ऑफ पुल. मस्क्यूलर फोर्स तो है ही, पर वो मस्क्यूलर फोर्स कौन से टर्म में है, पुलिंग फोर्स में. तो हम पुल करके रख रहे हैं. और ग्रेविटी, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो बकेट को कहाँ खींच रही है, नीचे की तरफ खींच रही है. बट उसको नीचे नहीं जाने देने के लिए व्हाट यू आर डूइंग, यू आर अप्लाइंग योर मस्क्यूलर फोर्स. तो यहाँ पे अपवर्ड मस्क्यूलर फोर्स और डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर के तरफ मस्क्यूलर फोर्स और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. यस और नो? एक दूसरे को बैलेंस करने की वजह से बकेट अपने आप नीचे नहीं जाएगी, ना ही अपने आप ऊपर आएगी. सो व्हाट इज द रीजन इट विल नॉट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, बकेट का स्टेट ऑफ मोशन अपने आप चेंज नहीं होगा, उसका रीजन क्या है? हियर अपवर्ड मस्क्यूलर फोर्स, ऊपर आने वाला मस्क्यूलर फोर्स बैलेंसेस द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे की तरफ लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करता है. सो इट विल नॉट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, उसकी वजह से उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा. नाउ वी आर मूविंग ऑन फॉर अ नाइन्थ क्वेश्चन. Now we will discuss about question number 9. A rocket has been fired upwards to launch a satellite in its orbit. Name the two forces acting on a rocket immediately after leaving the launching pad. अभी कोई रॉकेट हम स्पेस में छोड़ रहे हैं कोई सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में डालने के लिए. तो जब वो रॉकेट को हम फायर करेंगे तो फायर होने के इमिडिएटली बाद जहाँ से वो उड़ता है, दैट प्लेस इज नोन एज लॉन्चिंग पैड. लॉन्चिंग पैड को छोड़ने के तुरंत बाद, इमिडिएटली आफ्टर इट्स लिविंग द लॉन्चिंग पैड, कौन से दो फोर्सेस है जो उसके ऊपर लगते हैं? द फर्स्ट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ रॉकेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस इट इज ऑन अ ग्राउंड ग्रेविटेशनल फोर्स विल नॉट एक्ट दैट मच, क्योंकि इट इज बीन कनेक्टेड टू द ग्राउंड. अनटिल एंड अनलेस इट गोज अबव द ग्राउंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ट्राइज इट टू ब्रिंग इट बैक, वो उसको वापस खींचने के लिए ट्राई करता है. तो इमीडिएटली आफ्टर लॉन्चिंग पैड से एक सेंटीमीटर भी ऊपर उठा, सो ग्रेविटेशनल फोर्स विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट. सो द फर्स्ट फोर्स विच विल एक्ट इमीडिएटली आफ्टर इट्स लीविंग द लॉन्चिंग पैड इज ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड द सेकेंड फोर्स इज प्रेशर फोर्स, क्योंकि सच अ ग्रेट फोर्स इज एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन अ रॉकेट, सच अ ह्यूज फोर्स बाय पेट्रोल और केरोसिन एक्टिंग ऑन द रॉकेट एरिया सरफेस, तो उसकी वजह से भी प्रेशर फोर्स इमीडिएटली विल एक्ट ऑन अ रॉकेट आफ्टर इट लीविंग्स द लॉन्चिंग पैड. ओके, सो सर दीज आर द टू फोर्सेस विच विल एक्ट इमीडिएटली. नाउ वी आर मूविंग फॉर अ क्वेश्चन नंबर 10. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. When we press the bulb of a dropper, initially let me say, dropper you all have seen in your life, घर पे भी आपने देखा होगा, और else you have seen in a chemistry lab. ये कुछ इस तरीके का होता है dropper, और dropper के ऊपर के पेज में bulb होता है, वो rubber का bulb होता है, उसको आप press करेंगे और छोड़ सकते हैं, press करेंगे छोड़ सकते हैं. उसके नीचे यहाँ पे either plastic और either glass की tube रहती है, और उसके ऊपर margins रहते हैं 5 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर एंड सो ऑन. आपने देखा होगा वो पोलियो ड्रॉप्स जब बच्चे को पिलाते हैं ना, तो इसी ड्रॉपर का यूज होता है. सो व्हाट दे आर आस्किंग, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर, इस ड्रॉपर का बल्ब हमने प्रेस किया तो विद इट्स नोजल कैप्ड इन वाटर, जब हम उसके बल्ब को प्रेस करते हैं उसके पहले हमको ऑलरेडी फिल्ड ग्लास वाटर, आप ले लीजिए ग्लास ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसके अंदर पानी ले लीजिए, उसके अंदर ड्रॉपर डाल दीजिए एंड प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर. तो क्या होगा, इस प्लास्टिक के अंदर जो भी हवा है दैट इज बीन केम आउट इन टर्म्स ऑफ बबल्स, बबल्स के रूप में वो, जब आप उसको ऑलरेडी पानी में और उसको दबाओगे तो पूरा बल्ब के उसके हवा बाहर आ जाएगी. एंड व्हेन यू आर लीविंग द बल्ब तो क्या होगा, जितनी हवा बाहर निकली हुई है अब उसकी जगह ग्लास वाटर ले लेगा एंड दैट विल बी फिल्ड इन दिस ट्यूब. यस और नो? यस और नो? यस. तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, लेट अस रीड. कैप्ड इन अ वाटर
एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, जो भी हवा है वो बबल्स के रूप में इट विल केम आउट. वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब, वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब, वाटर गेट्स फिल्ड इन विद द ड्रॉपर, ड्रॉपर के अंदर पूरा पानी चला जाएगा. द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू, यहाँ पे पानी बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, दे आर आस्किंग. द फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेशर ऑफ वाटर, पानी के प्रेशर की वजह से, नो इट्स रॉन्ग. बी ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी है अर्थ पे इसकी वजह से पानी ऊपर जा रहा है, नो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. थर्ड शेप ऑफ अ रबर बल्ब, कि भाई ऐसा ना होता और गोल होता या दूसरे शेप का होगा तो पानी अंदर जाता, इस शेप का है इसलिए गया अदरवाइज नहीं जाता, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. एटमोस्फियरिक प्रेशर, यस दैट इज राइट, बिकॉज वेन यू आर रिलीजिंग दैट बल्ब दैट विल क्रिएट वैक्यूम इन दिस ट्यूब, इस ट्यूब के अंदर वैक्यूम बन जाएगा, उस वैक्यूम को भरने के लिए एटमोस्फियर प्रेशर डालता है, किसके ऊपर डालता है, सिंस ये पूरा पानी के कप के अंदर है तो प्रेशर यहां पानी के ऊपर पड़ेगा. द प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर विल बी जनरेटेड ऑन अ ग्लास ओवर द सरफेस ऑफ अ वाटर एंड दैट सरफेस ऑफ अ वाटर विल केम इनसाइड अ ट्यूब फॉर अ प्रॉपर मैकेनिज्म. ओके सो एटमोस्फेरिक डिफरेंस का व्हेन वी आर टीचिंग द ऑनलाइन सेशन, एक रबर कप था इफ यू रिमेम्बर, उसको हम स्मूथ सरफेस पे चिपका देते थे और उसको खींचने के लिए ट्राई करते थे, सो नो वन कैन रिमूव इट, क्यों, क्योंकि उतना प्रेशर वी आर ऑलरेडी सस्टेनिंग. सो इन द सेम वे व्हेन यू आर पुशिंग अ बल्ब यू आर एस्केपिंग द एयर फ्रॉम द ट्यूब, आप ट्यूब में जो भी हवा है एटमोसफेयर की उसको निकाल देते हैं, उसको निकालने के बाद वहाँ पे वैक्यूम वॉइड क्रिएट होता है, खाली जगह क्रिएट होती है, वो खाली जगह अगर आप नहीं भी चाहोगे तो एटमोसफियर उसको अपने हिसाब से भर देगा. सो व्हेन यू आर रिलीजिंग द बल्ब यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट रिलीजिंग द प्रेशर, रिलीजिंग द फोर्स, बट ऑटोमेटिकली एटमोसफेरिक प्रेशर क्रिएट्स अ फोर्स ऑन अ सरफेस ऑफ अ वाटर दैट वाटर विल गो इनसाइड अ ट्यूब ऑफ अ ड्रॉपर एंड इट विल गेट फिल्ड. ओके सो आई थिंक यू डू हैव ओनली 10 क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइज and we have completed all the 10 exercises, 10 questions we have completed. So all the best and I wish कि आप ये सारे questions अपने regular book में लिख लें, in the same way I have written, जैसे मैंने लिखा है board पे उसी हिसाब से you have to write in your textbook. Okay? So I think no doubt is there regarding notes of chapter 11, that is a force and pressure. Okay, next time we will go with another chapter, that is a friction, and friction's notes and solved exercise will be reach up to you very soon. Okay, till then, thank you so much.